हेलो फ्रेंड्स, शीलास किचन में आपका स्वागत है। मैं मनीषा, आज हम बनाने जा रहे हैं धनिया पनीर बिरयानी। इसे बनाने के लिए मैं ले लिए हैं चावल, ये 250 ग्राम चावल हैं। इसके साथ ही मैंने तली हुई प्याजें ली हैं, प्याज को काट करके तल लिया है। इसके साथ ही मैंने धनिया एक बड़ा बंच लिया था और साथ ही पुदीने का एक बड़ा बंच लिया था। उसे अच्छी तरह से साफ करके धो के उसका पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के धनिया और पुदीने का मिक्स पेस्ट बना लिया है। साथ ही पनीर के पीसेस को काट कर तल लिया है। इसके साथ ही मैंने लिए हैं तले हुए ड्राई फ्रूट्स, आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। घी एक बड़ा चम्मच, इसमें कुछ खड़े गरम मसाले हैं, दालचीनी, पत्थर फूल, तेजपात, काली मिर्च, लौंग, इलायची, स्वाद अनुसार नमक, कटे हुए टमाटर, पिसी हुई प्याज, इसमें चार प्याजें मैंने बड़ी वाली पीस के लिए हैं, कटी हुई प्याज, चार बड़े टमाटर पीस लिए हैं। इसके साथ ही हमें तेल की आवश्यकता होगी और पानी की आवश्यकता होगी। एक पैन में पानी गर्म करेंगे, जितना चावल है उसका चार गुना पानी लेंगे। जब वो पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए उसमें खड़े गरम मसाले डाल देंगे, थोड़ा सा घी डाल देंगे और जब पानी उबल जाएगा तब उसमें चावल डाल देंगे। पानी गर्म हो गया है, इसमें चावल डाल देंगे। साथ ही नमक डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे और इसे 80% पकने तक पकाएंगे। ढक देंगे। जब तक चावल उबल रहे हैं हम एक पैन में तेल गरम करेंगे और बघार तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने जीरा डाल दिया है, इसमें मैं प्याजें डाल दूंगी, साथ ही मैं पीसी हुई प्याज डाल दूंगी। इसे गुलाबी होने तक भूनेंगे। प्याज भुन गई है, अब इसमें धनिया पत्ती जो कि पीस के रखी है, साथ ही पुदीना पीस के रखा है, वो मिक्स करेंगे। टमाटर डालेंगे जिसका पेस्ट डाला है, खड़े टमाटर डालेंगे, ये सभी चीज़ें डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी लाल मिर्च डालेंगे और इसे अच्छी तरह कढ़ाई छोड़ते तक फ्राई करेंगे। चेक करेंगे चावल पक गए हैं कि नहीं पक गए हैं। चावल पक चुके हैं, ये करीब 80% पक चुके हैं। अब हम इसे निथार लेंगे, इसका पानी पूरा हटा लेंगे। हरी धनिया का मसाला भुन गया है, अब हम इसे चावल में मिक्स करेंगे। चावलों का पानी निथार चुके हैं, इसमें हम हमारा फ्राई मसाला डालेंगे। इसे धीरे धीरे मिलाएंगे, बहुत धीरे धीरे मिलाना है, कहीं ये टूट ना जाए। चावल में मसाला फ्राई कर दिया है, अब इसमें हम तली हुई प्याजें डालेंगे।
पुदीना पत्ती डालेंगे, धनिया पत्ती डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, पनीर जो कि तल के रखे हैं डाल देंगे, घी डालेंगे, अब हम इन चावलों में दम लगाएंगे। 10 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे इसे पकाना है। ढक देंगे, बीच में इसे खोल करके नहीं देखना है, 10 मिनट बाद इसे हम खोल करके देखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसे खोल करके हम देखेंगे। वाओ, कितना खूबसूरत दिख रहा है। और आप खा के बताइए कि ये कैसा लगा। इसे धनिया से गार्निश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको धनिया पनीर बिरयानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।